Hey guys, welcome back to my channel. तो पिछले वाले वीडियो में देखा होगा गाइस, हमने जिम बैटल किए थे। जिम बैटल नहीं, हमने जिम के अंदर थोड़े बहुत बैटल लड़े थे। तो यार हम जिम लीडर से मुकाबला करने के लिए निकले थे भाई, लेकिन जिम लीडर हमें नहीं मिली। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, बहुत सारे मुकाबले बचे हैं अभी। ओ भाई, उनको लड़के ही जाना पड़ेगा। यार मुझे नए पोकेमोन्स मिले हैं, देखना चाहोगे? तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये देखो भाई क्या बात है गाइस, ये फ्लाइंग टाइप है, नॉर्मल टाइप दोनों मिक्स है गाइस। इसके पास ग्रास के, रॉक के और फ्लाइंग फायर, तो चारों के चारों मूव है गाइस। तो हर टाइप के मूव है इसके पास, और भी है गाइस आई थिंक, देखते हैं भाई। नहीं नहीं अभी नहीं है, अभी अनलॉक होंगे, आगे चल के अनलॉक होंगे। लेकिन यार इसके चार टाइप के मूव है गाइस, अलग अलग टाइप के मूव है, आई थिंक आगे भी आने वाले हैं। बुलेट सीड है, फ्लाई है गाइस, ये फ्लाई है, आपको बताऊंगा भाई कितना कमाल का मूव है। रॉक टाइप का मूव है और फ्लेम चार्ज है गाइस। फ्लेम चार्ज देखोगे ना भाई तो हिल जाओगे भाई, फ्लेम चार्ज है, मस्त अटैक है गाइस। तो भाई इसको इवॉल्व करेंगे, देखते हैं अच्छा खासा अटैक करेगा तो इसको रखेंगे, वरना चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। और भी मैंने पोकेमोन पकड़े हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई। तो यार इसका इवॉल्व फॉर्म कुछ अलग ही है भाई, मैं इसको इवॉल्व फॉर्म दिखाता हूँ, ये देख रहे हो भाई। ओ भाई साहब, थोड़ा खतरनाक भी लग रहा है, लेकिन नहीं भाई अभी उसको कैरी नहीं करेंगे, आगे चल के देखेंगे भाई, अगर हो सके तो उसको कैरी करेंगे। यहाँ पे वाटर टाइप को मैंने पकड़ लिया है, वाटर टाइप को तो मैंने पकड़ लिया है, लेकिन अभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे यार, अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं गाइस। फिर कभी इवॉल्व करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो गाइस इनको इवॉल्व करेंगे, पकड़ेंगे इनको। मैंने इसको भी पकड़ लिया है, जू बैट को पकड़ लिया है, देख सकते हो। चलो गाइस बहुत बढ़िया, बहुत सारे पोकेमोन को पकड़ लिया हमने। तो यार एक काम करते हैं, इसको सामने रख लेते हैं। चलो गाइस बहुत बढ़िया, अभी मैप के अंदर एंटर किया जाए। अरे यार मैं इलाइट में कैसे जाता हूँ भाई, इंटर मैप करते हैं, रुको पहले। ओ भाई मैं इलाइट में थोड़ा बैटल लड़ते रहता हूँ ना, इसीलिए वहाँ पे चला जाता हूँ कभी कभी। और गाइस लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे जो दो बंदे दिख रहे हैं, जेसी और जेम दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है गाइस। यहाँ पे हम एस ट्रेनर से मुकाबला करने वाले हैं। तो गाइस मुझे लगता है और दो ही मुकाबले बचे हैं। नहीं भाई यहाँ पे तो तीन मुकाबले दिखा रहा है। अच्छा अच्छा इससे लड़के, अरे यार क्या हो रहा है, नॉर्मल में है ना। चलो गाइस हम नॉर्मल मैप में है, तो चलेगा चैलेंज करते हैं, एस ट्रेनर से चैलेंज करेंगे। और मैंने एक क्लैन ज्वाइन कर लिया है, क्लब ज्वाइन कर लिया है, इसको अभी फ्यूचर समझने में मुझे थोड़ी देर लगेगी, कोई बात नहीं। अभी हमारा लेवल 30 होने दो भाई, हमारा खुद का एक क्लैन होगा, मतलब हमारा खुद का एक क्लब होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। तो आप जो भी खेल रहे हैं मेरे साथ आके खेल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही है तो इसको इग्नोर कीजिए, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चले गाइस एस ट्रेनर से मुकाबला करते हैं, एस ट्रेनर से बात करते हैं पहले। तो यार भाई कहाँ पर जा रहे हैं हम, अरे ये क्या बात है, ये कहाँ भाई, शायद से कोई ग्लिच है गाइस, मोबाइल का ग्लिच है मतलब। चलो भाई कोई बात नहीं, मुकाबला कर लेते हैं, यार पता नहीं क्या ग्लिच था भाई ये। तो चलो गाइस पता नहीं, थोड़े इस गेम के बहुत सारे ग्लिचेस है गाइस, पता नहीं वो कब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मुकाबला कर लेते हैं भाई साहब, समझ गया। इलाइट में आके मुकाबला कर रहे हैं गाइस, ये रॉक जिम है, ये आपको देखा होगा। लेकिन यार फ्लाइंग देखो यार, हम गायब हो गए। ओ भाई हमारा पोकेमोन उड़ रहा है गाइस अभी, और ये अटैक नहीं कर सकता, तब तक हम अटैक करेंगे अभी तेरी भैंस की। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, ये अटैक मुझे पसंद आया गाइस। तो अभी इसको बुलेट सीट से अटैक करते हैं, बुलेट सीट 4 times अटैक करता है गाइस। अबे अबे बे क्या डैमेज दिया भाई इसने, एक बार, दूसरी बार और तीसरी, आई थिंक और एक बार अटैक करेगा। लेकिन यार कम डैमेज मिल रहा है क्योंकि ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं दिखा रहा ना, पर 5 times अटैक करता है, मुझे नहीं पता था भाई। चलो जी तो बढ़िया बात हो गई, लेकिन यार अभी ये हमें मार देगा भाई, अगर ओवरटेक अटैक किया तो इसने, कोई बात नहीं क्योंकि इसका एडवांटेज नहीं था और उसका लेवल भी हाई है ना भाई, क्या ही कर सकते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, लुकारियो आ चुका है गाइस, पावर अप पंच अटैक करते हैं, और एक नया मूव मिला है, वो पंच की तरह नहीं है भाई, ये सिर्फ लड़ाता है और उसकी डैमेज हो जाती है। तो बस चिल्लाता है बस, अटैक कुछ समझ में नहीं आया। चलो जी कोई बात नहीं, ग्राउंड टाइप के खिलाफ तो स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं, पावर अप पंच अटैक करते हैं, अटैक पावर भी बढ़ेगी ना भाई, अटैक पावर इंक्रीज होगी। अबे भाई क्या अटैक कर रहे हैं ये, इनकी बैन स्किन को दिखाना पड़ेगा भाई। चलो जी नया अटैक ट्राई करता हूँ गाइस, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, भाई ये ग्राउंड के अंदर चले गए भाई साहब, अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, काम करते हैं हम। ओके हम आर्टिकोनो को बाहर निकाल लेते हैं गाइस, आर्टिकोनो स्ट्रांग भी है, ये कौन चिल्ला रहा है बैकग्राउंड में। चलो जी कोई बात नहीं, आई थिंक उन्होंने मिस कर लिया है, एक नया मूव मिला है फ्लाइंग टाइप है, तो उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। अब भाई डिक कर रहे हैं यार, ये गलत बात है भाई साहब। चलो गाइस कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे। अभी बाहर है ना, अभी तुमको दिखाता हूँ गाइस, अटैक करो भाई साहब। ओ गाइस अबे भाई उड़ा दिया इनको। ओ भाई कुछ अलग ही अटैक था ये, फेरो आ गया गाइस यहाँ पे, आइस शार्ड्स के खिलाफ बहुत स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन मैं फिर से फ्लाइंग मूव आजमाना चाहूंगा भाई, मुझको अलग ही था भाई ये तो अटैक, भाई उनको हवा में उड़ा दिया। चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं, देखते हैं।
भाई ये देख रहे हो भाई साहब, कमाल का टैग है गाइस। भाई इनको हवा में उड़ा जा रहा है भाई, हमारा फ्लाइंग मूव बहुत ही ऑसम है गाइस। तो यार विंग अटैक को इससे रिप्लेस कर देंगे क्या? विंग अटैक कुछ खास नहीं दिखता, मतलब उसके एनिमेशन भी नहीं है। तीन कॉम्बो अटैक कर रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आइस शार्ड अटैक करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं गाइस। चलो जी, आइस शार्ड की भी इतनी खास एनिमेशन नहीं है, लेकिन आगे चल के मुझे और भी मिलेंगे आइस टाइप के मूव। ओ भाई अभी आने वाला है मज़ा, अपना फ्लाइंग मूव आजमाते हैं। इसकी भैंस की ये गया गाइस, ये गया भाई। रुक रुक उसका अटैक कर रहे, तो अटैक इंक्रीज कर ले। अरे अच्छा हमने मिस कर दिया क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से अटैक करते हैं आर्टिकोनो। ओ भाई साहब कुछ खास ही लगा भाई मुझे तो ये। चलो जी बहुत बढ़िया, पिकाचू को भी एक नया मूव मिला है गाइस। पिकाचू का नया मूव है, लेकिन उसको फिर कभी ट्राई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्ट्रिक टाइप है भाई। नहीं यार मैंने भाई आई थिंक मैंने इनको डिफीट कर दिया था, लेकिन पता नहीं भाई क्यों आ रहे। तो यार पहले यहाँ के मिस्ट्री सॉल्व करते हैं भाई। पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है ये, मतलब यहाँ पे ये खड़ी तो है भाई, ये मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा यहाँ पे जाना होता है, लेकिन भाई पता नहीं कुछ तो ग्लिच हुआ था गाइस। अच्छा इस बार जेम्स भी है, जैसे भी है। अच्छा जी पंपिंग मशीन चुरा ली है भाई साहब। तो चलेगा स्टीम रॉकेट अपने फिर से वही कारनामे में उतर चुकी है गाइस, वो चोरी कर रहे हैं। तो अभी हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा। चलो जी आई थिंक हमारा फ्लाइंग टाइप इनके खिलाफ स्ट्रांग हो गया। नहीं भाई बुलेट सीट तो वेस्ट होगा, एक काम करते हैं गाइस फ्लेम चार्ज से अटैक करते हैं। इसकी भैंस की भी इसको पड़ेगी, लेकिन उसको अटैक मिला क्या? नहीं नहीं हमें मिला। ओह भाई साहब लेकिन यार बहुत कम डैमेज था भाई, क्या घटिया डैमेज था भाई। डैमेज मिलता अगर इसका लेवल हाई होता और एडवांटेज होता तो भाई बहुत तगड़ा डैमेज मिलने वाला था इसको। चलो जी फ्लाइंग अटैक करते हैं, फ्लाइंग अटैक देखते हैं कितना असरदार होने वाला है। मैं चेंज कर लूँगा भाई, क्योंकि ज़्यादा डैमेज तो नहीं मिल रहा इसको, पॉइजन है ना इसलिए नहीं मिल रहा। चलो इसने मिस कर दिया, अभी हमारी बारी गाइस। ये पड़ी, ओ भाई ओपी गाइस, ये अटैक ओपी है गाइस। भाई पॉइजन अटैक कर रहा है ये, यार बैकग्राउंड में सच्ची में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस, यार पोकेमॉन चेंज कर लेंगे किसको ले। तो यार एक काम करते हैं, चार मिलियन को बाहर निकाल लेते हैं गाइस। अभी चार मिलियन को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे अटैक स्ट्रांग होने वाले हैं दूसरों के। अबे अबे भाई नहीं यार, इनके पॉइजन अटैक बहुत स्ट्रांग है गाइस। फायर फैंग्स अटैक करते हैं, मुझे पिकाचू को निकालना चाहिए था आई थिंक। नहीं भाई ज़्यादा डैमेज नहीं मिल रहा गाइस। अबे अबे धीरे धीरे तेरी भैंस की, रुक जा तेरी भैंस की, अभी निकल तू यहाँ से। चलो जी फाइनली गया। टीम रॉकेट कब से इतने स्ट्रांग होने लगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार। इनको अटैक ना मिले प्लीज, हमें अटैक मिले। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, ये क्या अटैक में निपट गया भाई, चार मिलियन बहुत बढ़िया। ओ भाई वॉर्ड टाइप को निकाल लिया इसने, हमें पिकाचू को निकालना चाहिए भाई। हमारा फ्लाइंग टाइप इंजर्ड है तो हम उसको नहीं निकाल सकते, पिकाचू को ही निकालते हैं। पिकाचू अभी स्ट्रांग होने वाला है। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक काम करते हैं पहले चार में अटैक करते हैं, फिर अटैक देखते हैं कैसा अटैक होने वाला है। अच्छा जी तो इसको पटाने वाला है क्या? ये अटैक माइनस टू हो गया भाई अपोनेंट का। ओ भाई साहब यार इसकी जुबान अभी काट दूंगा मैं, सच्ची बता रहा हूँ। रुको पांच पांच कॉम्बो अटैक किए ना, इसकी जुबान अभी, रुको इसकी जुबान ही काट दूंगा अभी। थंडर बोल्ट अटैक करते हैं पिकाचू। चलो भाई, ओ भाई साहब जबरदस्त। चलो जी ये तो गया गाइस, 28 लेवल था भाई इसका। भाई मैं सोच रहा हूँ मिस्टिकल लेवल कितना होने वाला है भाई। मैं डर इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा पिकाचू है गाइस, पिकाचू आराम से संभाल लेगा सब कुछ। तो एक काम करते हैं इसके ऊपर हम थंडर बोल्ट से अटैक करते हैं, स्ट्रांग अटैक करेंगे भाई। चलो दो थंडर बोल्ट अटैक करने पड़ेंगे हमें इसको डिफीट करने के लिए। भाई बच गया ये, आधी एचपी बचाए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी थंडर बोल्ट गया गाइस, ये गया, अब नहीं बचोगे भाई, हर बार नहीं बचोगे। चलो जी बहुत बढ़िया। ओ मियात आ गया भाई, मियात के लिए कोई है क्या? अच्छा भाई लुकारियो है गाइस, लुकारियो, अभी लुकारियो दिखाएगा इसको। आजा आजा मियात आजा। स्क्रैच अटैक किया है, ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है। अपना नया मूव अटैक करते हैं, ये देखो भाई ये सिर्फ चिल्लाएगा और ये मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा इसको। ये देखा, ओ भाई रिकवर भी करता है अपना। ओ भाई मुझे नहीं पता था गाइस। चलो जी बहुत बढ़िया, लेकिन यार कौन डैमेज था? अच्छा भाई 12 राउंड के अंदर डिफीट करना था, हमने ज़्यादा ले लिया, 12 राउंड से ज़्यादा ले लिए, इसलिए दो स्टार मिले। कोई बात नहीं, फिर आके इनको जन सुनूंगा और डिफीट कर दूंगा, तीन स्टार लेके रहेंगे भाई। यार बैकग्राउंड में जो भी शोर हो रहा है मैं उसको माफ़ी चाहता हूँ गाइस। अच्छा भाई साहब कुछ आ गया यहाँ पे, अच्छा कुछ एक्टिवेट करने के लिए है तो भाई इसको कैसे चार्ज करें? ओ भाई तो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोन को अप्लाई कर सकते हैं आई थिंक। इसे चार्ज होने वाला है तो 20 कलर करने पे होगा क्या? इससे क्या होगा मुझे आगे चल के पता चलेगा। चलो जी फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं, हमारे स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो अगर बैकग्राउंड में जो भी शोर है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चले गए यहाँ पे एक ऑफिसर है, नहीं नहीं भाई, ओ भाई मिस्टी के बहने हैं। भाई ब्रॉक देखो भाई, ब्यूटीफुल गर्ल्स।
भाई तुमने ब्रॉक को देखा? अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा था, जब इनको देखा तभी आ गया बाहर। अबे यार चलो जी, मिस्टी के हम बहनों से मुकाबला करने जा रहे हैं। बुलेट सीट से इनको बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है। चलो जी, ओहो भाई प्रोटेक्ट कर रहा है, इसने शील्ड किस कर ली भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुलेट सीट मिस कैसे हो गया? एक काम करते हैं, गाइस उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं भाई। चलो जी निकलो यहाँ से। नहीं भाई हमारी थोड़ी स्पीड कम है ना, इसीलिए उनको अटैक मिल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पहले उड़ते हैं। अभी इनका अगला अटैक वेस्ट हो जाएगा भाई, इनका अगला अटैक वेस्ट हो जाएगा। अभी हम अटैक करने वाले हैं। चलो जी, उन्होंने अटैक किया, मेटल क्लॉथ से अटैक किया है, मिस हो गया। अभी हमारी बारी गाइस। ये आए भाई, ओ भाई वो पी गाइस, ये अटैक मुझे बहुत पसंद है यार। बुलेट सीट से अटैक करते हैं, नहीं उन्हें अटैक मिलेगा, कोई बात नहीं, इनकी स्पीड ज़्यादा है। चलो भाई चलता है, अभी वाटर एरिया है तो चलेगा। अच्छा अच्छा कॉम्बो अटैक था ना, मैं भूल गया था, लेकिन दो ही बार अटैक किया है इसने। कोई बात नहीं, पिकाचू को निकाल लेते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भी अटैक करेंगे भाई। इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक करते हैं, निपट जाएगा भाई, तीन ही पोकेमॉन है, आराम से निपट जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया, गोल्डी आ गई भाई साहब। थंडरबोल्ट अटैक करते हैं गाइस, इसके ऊपर थंडरबोल्ट अटैक करते हैं। एक अटैक में निपट जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ओ भाई ओपी ओपी, आखिरी पोकेमॉन है गाइस इनका। तो फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा यहां पे थंडर वेव से अटैक करते हैं, क्योंकि थंडर वेव से चार इस्तेमाल करते हैं गाइस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। आई थिंक ये पैरालाइज हो जाना चाहिए भाई, जहां तक मुझे लगता है पैरालाइज होना चाहिए भाई। बैकग्राउंड में जो शोर कर रहे हैं ना अभी भाई, बस बहुत हो गया, अभी रुको भाई। अगर सामने होता ना सबको ऐसा ही थंडरबोल्ट से अटैक करता भाई। भाई साहब क्या ही करें भाई, अभी कुछ बोल भी नहीं सकते, बच्चे बाहर हैं। कोई बात नहीं, फिर से थंडरबोल्ट फिनिश करते हैं गाइस। यार इसके डिफेंस थोड़ा अच्छा खासा है भाई, क्योंकि थंडरबोल्ट का दो अटैक सह लिए भाई इसने, तो ये हार गए। लेकिन मिस्टीन का बदला लेके ऐसा बोल रहा है भाई, बोल रही थी। चलो गाइस फाइनली सबको खत्म कर दिया भाई, सबको हरा दिया। अभी बची है तो सिर्फ मिस्टी बची है गाइस, मिस्टी को चैलेंज करेंगे। लेकिन यार मैं अभी यार बस बहुत हो गए यार, मैं एपिसोड आगे बढ़ाऊँ या फिर नहीं भाई, बैकग्राउंड में इतना शोर कर रहे हैं ना ये, मतलब यार उनको यही वक्त मिला था खेलने के लिए। शिट यार कोई बात नहीं गाइस, जाके मिस्टी को चैलेंज करें। चलो चैलेंज कर ही लेते हैं अभी। तो भाई साहब इसकी बहनें और ये मतलब इनको पक्का पता है कि हम नहीं हारेंगे, ऐसे बोल रहे हैं गाइस। अभी इनको दिखाता हूँ भाई। चलो जी हमारा बर्ड टाइप आ गया है ना, तो बुलेट सीट से अटैक करते हैं भाई। इनका 29 है लेवल, तो ये दिक्कत देने वाली है गाइस। ओ भाई चेंज कर लिया इसने। अच्छा भाई साहब गैराडोस फ्लाइंग टाइप भी है, ये मुझे नहीं पता था भाई, कसम से नहीं पता था। चलो जी यहाँ पे रॉक मूव आजमाने वाले हैं गाइस हम, रॉक मूव इनके ऊपर तगड़े पड़ने वाले हैं भाई। उसने अटैक किया भाई, अबे अबे भाई साहब क्या अटैक किया इसने। चलो जी ये पड़ा ना। ओ भाई बहुत बढ़िया यार, मैं काम करता हूँ, मैं उड़ने की ट्राई करता हूँ, फ्लाई करने की ट्राई करता हूँ। अगर मैं अटैक पहले मिलता नहीं भाई उसको मिला, शिट यार अगर उड़ जाते तो हमें एडवांटेज था भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो पिकाचू को ही निकालना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। एक काम करते हैं आर्टिकोन को बाहर निकाल देते हैं भाई, भाई पिकाचू को निकाल लेंगे डैमेज हो जाएगा, लास्ट तक मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए एजिलिटी है गाइस। कोई बात नहीं, हम अपना फ्लाइंग मूव आजमाते हैं, आई शार्ड भी इस्तेमाल कर सकते थे। चलो जी यार ये बहुत स्ट्रांग है भाई, 32 लेवल, आर यू किडिंग मी भाई, मैं अभी देख रहा हूँ 32 लेवल है इसका। ओ भाई ये हार गए गाइस, ये हार गए हम, ये बैटल हार गए गाइस। शिट यार हमारे आर्टिकोन ने अटैक भी नहीं किया भाई। भाई लेकिन इनकी एचपी थोड़ी वीक ही है, लेकिन भाई 32 लेवल है भाई, आसान नहीं होने वाला है यार, ये बहुत ज़्यादा ही लेवल है इनका। तो एक काम करते हैं थंडरबोल्ट से अटैक करना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है गाइस, स्ट्रांग मूव आजमाने पड़ेंगे अभी। नहीं भाई बच गया, थंडरबोल्ट का अटैक को सह लिया भाई। ओ ओ भाई साहब, नहीं गाइस ये हार गए गाइस, ये बैटल हार गए। कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं भाई, इनके लेवल थोड़े हाई है गाइस, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा भाई अकेला ही था क्या हाई लेवल का? एक काम करता हूँ थंडरबोल्ट से अटैक करता हूँ। ओ भाई साहब ओपी गाइस, लेकिन यार कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बाकी के पोकेमॉन हील नहीं हो सकते। अगर हमें अटैक मिलता रहा तो हम जीत सकते हैं, पिकाचू को इनको एक ही बार में निपटना पड़ेगा। चलो जी पिकाचू ओपी गाइस, कसम से पिकाचू ने इज्जत बचा ली थोड़ी, लेकिन यार हम जीत नहीं सकते हैं अभी, तय है गाइस। 30 लेवल का फिर से निकाल लिया भाई, और एक पोकेमॉन है इसके बाद। यार अगर मैं इनको हील कर पाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन हम हील नहीं कर सकते। कोई बात नहीं गाइस, थंडरबोल्ट से अटैक करता हूँ। यार प्लीज पिकाचू इज्जत बचा ली। ओ भाई, ओ भाई साहब क्या बात है गाइस, क्या बात है, आखिरी पोकेमॉन गाइस, आखिरी पोकेमॉन। नहीं भाई ये भी था भाई, ये भी 30 लेवल है यार भाई, कसम से यार हार गए तो भी कोई परवाह नहीं गाइस, मतलब कोई दुख नहीं भाई, पिकाचू ने इतनी इज्जत बचा ली ना हमारी, क्या ही बात है गाइस। पिकाचू ओपी गाइस, चाहे अभी के अभी कमेंट में लिख दो पिकाचू ओपी गाइस। थंडरबोल्ट से अटैक करते हैं, नहीं भाई उसको अटैक मिला भाई, अगर हमें अटैक मिलता तो हम जीत जाते भाई।
मतलब चांसेस थे भाई, थोड़े जीतने के चांसेस थे, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन नहीं 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 रुको रुको, यहाँ पे स्क्वाडल को एडवांटेज दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं लुकारियो को बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं इसको, डैमेज देंगे उसके बाद स्क्वाडल को निकालेंगे। फेंट अटैक करते हैं, आई थिंक ये पंच अटैक है, एक तरह के पंच अटैक है भाई। चलिए थोड़ा बहुत डैमेज देंगे भाई, थोड़ा बहुत डैमेज देंगे उसके बाद स्क्वाडल को निकालेंगे। स्क्वाडल थोड़ा डैमेज एडवांटेज दिखा रहा है। चलो जी फिर से फेंट अटैक करते हैं। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया लुकारियो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलो जी कोई बात नहीं गाइस, लुकारियो ने बहुत अच्छा साथ दिया। स्क्वाडल को निकालें या फिर इसको निकालें भाई, स्क्वाडल को ही निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं चार्मिनल को निकाल लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। चलो भाई मिस्टी बहुत ताकतवर है भाई, मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा मिस्टी ताकतवर तो है। तो फायर फंग से तो अटैक नहीं कर सकते, स्क्रैच अटैक करते हैं, देखते हैं। नहीं भाई उसको अटैक मिल रहा है, एक ही अटैक। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, स्क्वाडल को निकाल लेते हैं, आखिरी में स्क्वाडल ही बचा है। चलो भाई स्क्वाडल कुछ इज्जत बचा लिया भाई। बाइट अटैक, अच्छा भाई साहब ये अटैक इसके ऊपर असर करने वाला है क्या? अबे यार हमें अटैक करने दो भाई, यार नहीं भाई नहीं जी सकते, नहीं जी सकते भाई। वाटर गन से अटैक तो कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं मिलेगा भाई साहब, यार हील भी नहीं कर सकता, ये दिक्कत की बात है गाइस। यार अगर पिकाचू जिंदा होता ना, अगर पिकाचू दम नहीं तोड़ता तो जीत जाते भाई। वाटर गन से अटैक करने की ट्राई करता हूँ भाई। नहीं भाई साहब, भाई इतने क्लोज आ गए थे भाई हम जीतने के, शिट यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, हम हार गए हैं मिस्टेक से, तो भाई ये गलत हुआ यार, गलत हुआ है भाई, जीत गए थे भाई। पिकाचू ने क्या कमाल का दिखाया, लेकिन नहीं भाई हार नहीं मानी, फिर से चैलेंज करूंगा। अभी वापस आ चुका हूँ, तो भाई इस बार मैं तैयारी के साथ आऊंगा गाइस। अभी मैंने लेवल्स भाई मैंने अभी कस्टमाइज कर लिया, अपनी पूरी आर्मी कस्टमाइज कर लिया गाइस वाटर के खिलाफ लड़ने के लिए। तो यार मैं पहले देख लेता हूँ भाई स्टोरेज में कोई है क्या, मतलब अपने स्टोरेज में कोई बंदा हो जिनसे लड़ सकें। 25 लेवल है तो नहीं, 25 लेवल नहीं है, इसका लेवल कितना है? नहीं नहीं इसका लेवल कम है भाई, लेवल कम है इसका, नहीं नहीं नहीं, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नहीं कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ये आर्मी जो मैं रख रहा हूँ ना अभी, ये ठीक है गाइस, परवाह नहीं उनसे अटैक कर सकते, लेकिन अटैक पावर बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, कुछ अटैक सह लेंगे। चलो गाइस अभी दिखा देंगे इस मिस्टेक को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत खतरनाक वाला पोकेमॉन निकालते हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ गाइस पिकाचू को सामने रख लेते हैं। चलो जी पिकाचू को सामने रख लेते हैं, अभी पिकाचू जब हमें लीड देगा गाइस, पिकाचू के जरिए से हम थोड़ी लीड लेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे भाई। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये सब संभाल लें, क्योंकि पिकाचू ही हमारा सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा है, तो पिकाचू संभाल लेगा भाई, स्टार्टिंग में संभाल लेगा, बाकी का हमें संभालना है गाइस। तो चलो गाइस मिस्टी से फिर से बात करते हैं। चलो भाई एक ही वीडियो में हम दो बार मुकाबला कर रहा हूँ भाई मिस्टी से। मिस्टी बहुत पावरफुल पोकेमॉन निकाले थे उसने, इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तभी अपना थंडरबोल्ट अटैक करने वाले हैं। यार पिकाचू की थोड़ी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत नहीं आने वाली। ओह भाई स्टारियो गई गाइस, आती ही गई गाइस स्टारियो। ओह भाई साहब थोड़ा मैंने लेवल भी अप किया आप जैसा कि देख सकते हो। तो चलो भाई थंडर वेव से अटैक करते हैं, थंडर वेव से चार्ज क्रिएट करते हैं, मतलब उसके खिलाफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। चलो जी पैरालाइज होगी ना, होनी तो चाहिए, नहीं अटैक करे, नहीं नहीं पैरालाइज होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी थंडरबोल्ट, तो भाई अभी थंडरबोल्ट अटैक करूंगा मैं, दूसरा अटैक नहीं करूंगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह अटैक नहीं करूंगा अभी, थंडरबोल्ट और अपना थंडर वेव और थंडरबोल्ट भाई दोनों ही। तो भाई साइड अटैक आ चुका है अभी, तो फिर से थंडरबोल्ट अटैक करते हैं भाई। इस बार पिकाचू मतलब इनकी रख फाड़ देगा भाई, अभी फाड़ देगा, अभी बोल रहा हूँ ना मिस्टी को फाड़ कर रख देगा। चलो भाई ये आया भाई, ये पिछली वाली वीडियो में तंग गया था ना, अभी इसको दिखाता हूँ एक मिनट को। थंडरबोल्ट अटैक करता हूँ मैं, चार इस्तेमाल करने वाला था। नहीं नहीं भाई इसकी स्पीड हमारे से ज़्यादा है गाइस, देख रहे हो, आई थिंक छोटा हुआ क्या है? नहीं 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 अभी अभी बोल के देखा भाई, फिर से थंडरबोल्ट। चलो इसको अटैक मिलेगा पता है गाइस, क्योंकि उसकी थोड़ी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। ओए हिल करेगा साले, चल निकल यहाँ से। चलो भाई यार मुझे पिकाचू को सामने लेना था भाई, आखिरी पोकेमॉन शायद से। ओ भाई साहब ओपी गाइस, पिकाचू ओपी। ओ ये क्या अटैक में निपट गया। चलो गाइस अभी अभी बोला अभी बोला, तुम्हारी भैंस की टांग। चलो गाइस फाइनली गाइस हमने मिस्टी को हरा दिया। ओ भाई साहब, ओ गाइस ये रहा अपना सेकंड बैच वाटर बैच। तो इसके बाद वाटर पोकेमॉन के डैमेज इंक्रीज हो जाएंगे गाइस, कितने इंक्रीज होंगे, 5% इंक्रीज हो जाएंगे। चलो जी बहुत बढ़िया ओपी गाइस ओपी। यार पिकाचू थोड़ा बाहर आ जाओ, मतलब कहाँ पे घुस रहा है भाई पिकाचू, नहीं यार मतलब रेड आई। चलो गाइस फाइनली हमने इसको हरा दिया गाइस। ओ भाई बहुत मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल था यार। मिस्टी तो ताकतवर थी गाइस, लेकिन यार मैं
फालतू में अपनी आर्मी कस्टमाइज की भाई मैंने, तो आर्मी को कस्टमाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। पिकाचू ने अकेले ही जाके सबको डिफीट कर दिया भाई। ओ भाई पिकाचू ओपी गाइस, पिकाचू ओपी कर दो गाइस, कमेंट सेक्शन में जाओ पिकाचू ओपी लिख दो। ओ भाई साहब क्या बैटल थी गाइस, बहुत ही दमदार बैटल थी। तो फिर से आर्मी कस्टमाइज करूंगा, इतने सारे ग्रास टाइप को तो मैं कैरी नहीं करूंगा, मतलब एक ही ग्रास टाइप होगा और बाकी के अलग अलग टाइप के रखेंगे। तो फिलहाल के लिए रहने देते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है। तो गाइज आई थिंक हमारा अगला मैप खुल चुका होगा। ओ भाई लेट्स गो गाइज, अच्छा वहाँ हमारा मैप खुल चुका है। यहाँ पे रिवॉर्ड मुझे नहीं मिला भाई, अच्छा एक स्टार रह गया गाइज, एक स्टार यहाँ पे रह गया, छवें नंबर पे रह गया है, अगर उसको भी ले लेते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा गाइज, रिवॉर्ड मिल जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया, तो होप कि गाइस वीडियो को पसंद आएगी। तो कमेंट में जाके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइस चैनल पे मेंबरशिप भी आ चुकी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो गाइस होप कि आज की वीडियो को पसंद आएगी, पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और मैं मिलता हूं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।